आइए भक्तों, आज सुनते हैं देव उठानी एकादशी 2024 कब है। देव उठानी एकादशी जाने तिथि शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, देव उठानी एकादशी माता की जय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देव उठानी एकादशी कहा जाता है। इस बार देव उठानी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने या कहे देव शयन के कारण सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य संपन्न हो पाते हैं। देव जागरण या उत्थान होने के कारण इसको देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने और कथा सुनने का विशेष महत्व है। देव उठानी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त इस बार कार्तिक माह की एकादशी 11 नवंबर को शाम के 6:46 से लेकर 12 नवंबर को शाम 4:04 तक रहेगी। ऐसे में 12 नवंबर को उदय तिथि में होने के कारण देव उठानी एकादशी का व्रत इसी दिन रखा जाएगा। वही इसका पारण 13 नवंबर को सुबह 6:42 से 8:51 तक बीच किया जाएगा। देव उठानी एकादशी की पूजन विधि। देव उठान एकादशी के दिन सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। इसके बाद गन्ने का मंडप बनाए और बीच में चौक बनाए। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखे। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं, जो ढककर रखने चाहिए। भगवान को गन्ना, सिंघारा और पीले फल मिठाई अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही भगवान को पीली मिठाई लगाए। इसके बाद घी का एक दीपक जलाए और इसे रात भर जलने दे। यही पर बैठकर विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने। देव उठानी एकादशी के नियम। देव उठानी एकादशी पर बहुत से नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन केवल निर्जला या जलीय पदार्थ पर ही उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध बालक या व्यस्त व्यक्ति है तो वह केवल एक वेला का उपवास रख सकता है। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा रहता है। देव उठानी एकादशी के दिन तामसिक आहार, प्याज, लहसुन, मांस मदिरा या बासी भोजन का सेवन बिल्कुल न करें। देव उठानी एकादशी व्रत कथा। धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न नहीं ग्रहण करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी भेष बनाकर सड़क किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ महल चलो। सुंदर स्त्री के राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वह जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अत्र बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में तो मैं सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ,
रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर यह तामसिक भोजन नहीं खाया तो मैं बड़े राजकुमार का सिर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात न मानने पर राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तू मेरी परीक्षा में सफल हुए, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया, कहा कि अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार की और वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को चला गया। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, देव उठानी एकादशी माता की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं देव उठानी एकादशी 2024। सोए हुए भगवान विष्णु को देव उठानी एकादशी पर कैसे जगाए जाने सही विधि। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। हिंदू धर्म में देव उठानी एकादशी का बेहद महत्व है। इस दिन से न केवल चतुर्मास खत्म होता है बल्कि इसके साथ ही देश भर में शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार देव उठानी एकादशी के दिन ही 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि का कार्य भार फिर से संभालते हैं। देव उठानी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से खास पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इससे पहले उन्हें शाम के समय विशेष पूजन विधि द्वारा भगवान विष्णु को जगाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल देव उठानी एकादशी कब है और इस शुभ मौके पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की सही विधि क्या है। देव उठानी एकादशी 2024 कब है? भगवान विष्णु को समर्पित देव उठानी एकादशी पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर को शाम 6:46 से हो रहा है, जिसका समापन अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 4:04 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर इस साल देव उठानी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। देव उठानी एकादशी का पर्व और भी अधिक खास है, इसीलिए है कि इसके अगले दिन 13 नवंबर को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 पर है। एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 को दोपहर बाद 4:04 पर है। देव उठानी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 को है। तुलसी विवाह 13 नवंबर 2024 को है। देव उठानी एकादशी भगवान विष्णु को ऐसे जगाए। देव उठानी एकादशी पर यानी 12 नवंबर को प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उसके बाद भगवान विष्णु को योग निद्रा से जगाया जाता है। सबसे पहले भगवान विष्णु को जागने के लिए घर के आंगन में पीसे हुए चावल का घोल और चंदन से रोली अर्पण बनाएं। इसके बाद उस पर पत्ते वाले 4 गहने से
मंडप बनाए। इस मंडप में भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा करें। पूजन के क्रम में शालिग्राम को नए वस्त्र और नया जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद इस मंत्र का भगवान विष्णु आवाहन करें, उन्हें जगाएं। इसके बाद इस समय माता लक्ष्मी सहित देवी देवताओं के नियमित 11 दीपक जलाएं और सभी देवी देवता की वंदना करें।